हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पंजाबी कुकिंग। आज हम दही वाले आलू बनाएंगे। दही वाले आलू आप नवरात्रों में व्रत में भी बना के खा सकते हैं और इसे वैसे भी बना के खाया जा सकता है। खाने में जो स्वादिष्ट बहुत बनती है सब्जी। और आज की रेसिपी आपको पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल के नीचे लाइक का बटन दबाएँ और सब्सक्राइब का बटन दबाना ना भूलें। आइए देख लेते हैं दही वाले आलू बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता है। इसे बनाने के लिए मैंने 3 बड़े साइज़ के आलू लिए हैं और इसको उबाल के छील के फिर इस तरीके से लंबाई के टुकड़ों में काट लिया है। 1 कप दही लिया है, ये तकरीबन 100 ग्राम दही है। इसके अलावा हमने 1 चम्मच नमक लिया है, ये सेंधा नमक है। नमक आप अपने स्वाद के अनुसार ले सकते हैं। 1/2 चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 चम्मच जीरा। कुकिंग ऑयल लिया है 2 बड़े चम्मच। हरा धनिया, इसकी पत्तियाँ बारीक बारीक काट ली है। 2 हरी मिर्च लिया है, इसको बारीक बारीक काट लिया है। सबसे पहले हम आलू को फ्राई कर लेंगे। पैन गर्म हो चुका है, हम इसमें 1 चम्मच ऑयल डाल देंगे। ऑयल को गर्म होने देंगे। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है, आलू डाल देंगे। आलू को हम 1.5-2 मिनट के लिए इसी तरीके से फ्राई कर लेंगे। देखिए आलू हमारे अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। अब हम गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे, इसको नीचे उतार के दूसरे पैन में हम तड़का तैयार करेंगे। पैन हमारा रख दिया है मैंने। हम 1 चम्मच इसमें ऑयल डालेंगे और 2 चम्मच हम इसमें देसी घी डालेंगे। इसको गर्म होने देंगे। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है, जीरा डाल देंगे। और साथ में ही नमक, हल्दी, धनिया पाउडर, हरी मिर्च। गैस का फ्लेम हम ऑफ कर देंगे। अब हम इसमें दही डाल देंगे। दही को मैंने अच्छे से मिक्स किया है और गैस मैंने बंद कर दिया है। अगर नहीं गैस बंद करेंगे तो दही फट सकती है। अब हम इसमें आलू मिक्स कर देंगे। अच्छे से मैंने आलू को मिक्स कर दिया है और अब हम इसमें थोड़ा सा हरा धनिया डालेंगे। थोड़ा सा बचा लेंगे गार्निश के लिए। अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अब हम इसको बड़े बाउल में निकाल लेंगे। इसको हम बाउल में निकाल देंगे। दही वाले आलू बनके हमारे तैयार हो चुके हैं। बहुत ही अच्छे दही बने आलू बने हैं। और एक तो जो बहुत जल्दी रेसिपी बन के तैयार हो जाती है और खाने में भी जो बहुत ही ज़्यादा जमी होती है। और प्लीज़ आप इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए और अपने एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर कीजिए। फिर मिलेंगे नई रेसिपी के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।